स्पेन में, जहां पर विमेन मिनिस्टर्स की संख्या बढ़ गई है और इतनी बढ़ गई है कि मेल मिनिस्टर्स से भी ज्यादा हो गई है। लेकिन दोस्तों, इंडिया में ऐसी कई फील्ड्स हैं जहां पर औरतों की संख्या कम है, जैसे जुडिशरी एंड पॉलिटिक्स। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार विमेन एम्पावरमेंट के लिए जरूर कुछ करेगी। स्पेन के सोशलिस्ट प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बुधवार को यूरोपीय संघ समर्थक नई सरकार बनाई। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में महिलाओं को ज्यादा जगह दी है। महिलाओं के दबदबे वाली नई सरकार के मंत्रिमंडल में 11 महिलाएं और 6 पुरुष मंत्री हैं। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जिसमें महिला मंत्रियों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। फ्रांस, स्वीडन और कनाडा को मिलाकर कुछ ही ऐसे देश है जहां लगभग 50% महिलाएं मंत्री हैं। स्पेन में रक्षा, अर्थव्यवस्था, वित्त और शिक्षा पोर्टफोलियो सहित कुछ बड़े पदों की कमान महिला मंत्रियों को सौंपी गई है। नई कार्यपालिका में अंतरिक्ष यात्री पेड्रो डिक्यू को विज्ञान मंत्री बनाया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री रायजाय की सरकार में 36% महिलाएं मंत्री थीं, जबकि सांचेज की सरकार में ये डाटा 61% हो गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी नई सरकार उन लोगों से बनी है जो प्रगतिशील समाज के प्रति एक समान दृष्टि रखते हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप हमारी नई मातृभूमि है। उन्होंने अपनी कैबिनेट को स्पेन में बदलाव लाने वाले प्रतिबिंब के तौर पर पेश किया।